केरल पे वापस आते हैं मेरा सवाल जो था माय इज खान उसका अभी तक मुझे स्पष्ट जवाब नहीं है हाँ, क्या, क्या, क्या टारगेट किया, क्या क्या किया गया आपको क्योंकि आपको राइट विंग से जोड़कर वहां की लेफ्ट विंग सरकार देखती है क्या इसलिए आपको चांसलर पद से हटाया भाई चांसलर वहां पे पंद्रह यूनिवर्सिटी हैं मैं चांसलर हूं उनका मुझे कहा हटा दिया छोटी बॉडी जिसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है जो जो स्पॉन्सरिंग बॉडी उसकी मतलब वो एक ऐसे है जैसे एन अब उसमें नाम चांसलर दे दिया था उन्होंने उसको जरा ग्लोरीफाई करने के लिए उससे कैसे उससे चांसलर से कहाँ हटा चांसलर यूनिवर्सिटी का होता है पंद्रह यूनिवर्सिटी हैं मैं उनका चांसलर हूँ मतलब कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर आपको सरकार के साथ डील करने में नहीं, बतौर नहीं, गवनर, नहीं, दिक्कत, बतौर हमेशा दिक्कत तब पैदा होती है कि मानिए आपके काम में आपका कोई दूसरा सहयोगी जिसका काम प्रोग्राम को प्रेजेंट करना नहीं है बल्कि पीछे कुछ काम करना है वो आपको ये बताने लगे कि प्रेजेंट कैसे कीजिए आपके उनके बीच में डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा यहाँ पर मैंने कहा है जो काम संविधान और कानून के मुताबिक सरकार के काम है वो आप एक मुझे मिसाल बता दीजिए कि मैंने यहाँ पर हस्तक्षेप किया या अपनी मर्जी लगाने की कोशिश की उसी वक्त इस्तीफा दे दूंगा लेकिन केरला असम्बली के पास किए हुए कानून के मुताबिक यूजीसी रेगुलेशंस के मुताबिक यूनिवर्सिटियाँ चलाने की जिम्मेदारी चांसलर की मैं आपको हर दिन का हिसाब दे दूंगा हर वाइस चांसलर आप अपनी मर्जी से भाई इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात होगी ग्यारह तेरह यूनिवर्सिटियां दो में रिटायर हो गए मौजूदा ग्यारह दो यूनिवर्सिटियां नई बनी हैं उसकी कैटेगरी अलग है वो एक साल में बनी तेरह में से दो तो रिटायर हो गए तो अब उनका मामला तो खत्म हो गया ग्यारह की ग्यारह यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट वॉइड एब इनिशो पहले दिन से जिस दिन से उन्होंने ऑफिस संभाला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है जिसका मैं दो मुख्य बातें अगर सेलेक्शन कमेटी में कोई नॉन एकेडेमिक होगा तो अपॉइंटमेंट वॉइड एवीनिशो मतलब पहले दिन से वो नियुक्ति गैर कानूनी होगी दूसरी बात उन्होंने कही है अगर चांसलर के पास तीन से कम नाम भेजे गए तो भी वो नियुक्ति गैरकानूनी ग्यारह की ग्यारह यूनिवर्सिटियों में सिंगल नेम है, है ज्यादातर में और ज्यादातर में चीफ सेक्रेटरी को बिठाया गया है सिलेक्शन कमेटी में तो ये शर्मनाक बात नहीं है कि आप इतनी ज्यादा दखल करते हैं कि आपने सारे वाइस चांसलरों को वाइस चांसलर की क्वालिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो प्रोसीजर अपनाया गया अपॉइंटमेंट का वो एकदम इलीगल तो अब ये मेरी गलती है या उनकी गलती है जिन्होंने ये किया और ये सब ज्यादातर वाइस चांसलर वो हैं जो मेरे पहुंचने से पहले अपॉइंट किए गए और इन दोनों बातों को मैंने जब जब कन्नूर यूनिवर्सिटी के री अपॉइंटमेंट का मामला आया मैंने इन दोनों बातों को फाइल में लिख दिया और इस लिहाज से मुझे बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वही दोनों पॉइंट पर उनका अपॉइंटमेंट टेक्निकल यूनिवर्सिटी का अपॉइंटमेंट उन्होंने इलीगल डिक्लेयर कियाफ मोहम्मद खान साहब क्या देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कोई भी मैं आपसे पूछता हूं कोई भी आदमी जिसने संविधान की शपथ ली है वो ये कहेगा कि नहीं आना चाहिए तो काहे को संविधान की शपथ ली हो मेरे भाई उसमें साफ साफ लिखा हुआ है अब है कि डर पैदा किया गया है लोगों के दिमाग में तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि सिविल कानून जो होते हैं उसमें किसी काम को कराने के लिए सजा देने का प्रावधान नहीं होता किसी भी सिविल कानून में नहीं होता बात सिर्फ इतनी सी है कि मानिए हिंदू कोड बिल है पहले से तो हिंदुओं के लिए सिखों के लिए जैनों के लिए तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या सबके अंदर समानता पैदा हो गई समानता पैदा करने का मकसद ही नहीं है हम तो हम तो हम तो गर्व के साथ कहते हैं कि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है और हमारे मनीषियों ने थॉट लीडर्स ने डाइवर्सिटी को बहुदा को अपनी एकता को मजबूत करने का हमेशा स्रोत माना इसलिए जो चीज फैलाई जाती है दिमाग में वो बिल्कुल गलत है मानिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया हाँ। तो क्या वो क्या वो ये कहेगा कि मुस्लिम लॉ में आपको बीवी को मेहर देना है और कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज से पहले देना है तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की ये कहेगा कि बीवी को पैसे मत दो यहाँ तो बगैर बगैर यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई भी नहीं देता पहले कहते हैं बीवी से कि माफ़ कर दो चूँकि हर किसी को मालूम है ये जरूरी है देना लेकिन देने की नीयत नहीं तो हर तरीके से यूपी में रस्म रिवाज और हैं महाराष्ट्र में और हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई रस्म रिवाज कैसे शादी की जाए उसकी समानता पैदा करने के लिए है ही नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड है शादी के नतीजे में जो अधिकार और कर्तव्य पैदा होते हैं उसमें अगर शिकायत है तो न्याय की यूनिफॉर्मिटी पैदा करने के लिए ताकि समान न्याय मिल सके हर किसी को और जब तक मैं नाम नहीं लूंगा इसे कि बड़े बड़े लोगों के नाम है Um, उन्होंने uh, दूसरी शादी करने के लिए मुस्लिम हो गए अब हिंदू भाई आप तो ऐसे चौक रही हैं जैसे नहीं। नहीं। पता नहीं कितने 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 केसेस है नहीं हम नाम नहीं लेंगे लेकिन जब तक पहली बीवी शिकायत ना करे तब तक कोई कार्रवाई नहीं क्यों क्योंकि सिविल लॉ की डेफिनेशन ही ये है कि जब तक उसमें अफेक्टेड पार्टी उसकी शिकायत ना करे तब तक कोई कंप्लेन नहीं इन मामलों में कुछ हो नहीं सकता तो अब भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया ना आप शादीशुदा हैं लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनका भाई आपके कुकर्मों की सजा उन बच्चों को नहीं दी जा सकती जो आपके साथ रहने के कारण पैदा हुए हैं इसलिए न्याय की समानता है असल बात कि न्याय समान सबको समान रूप से मिलना चाहिए प्रोपेगेंडा यह किया जाता है अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो तुम्हें मेहर देने की इजाजत नहीं होगी तुम्हें अपने मुर्दे को दफन करने की इजाजत नहीं होगी तुम्हें ये इन सब से कोई मतलब ही नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड का नहीं नहीं ये भी लोगों को लगता है कि चार शादियों की जो इजाजत है वो नहीं मिलेगी चार शादियां पता नहीं अभी कोई कर रहे हैं तो मुझे पता नहीं है लेकिन इस वक्त Um, तो, आ, 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 मैंने इस मजाक के उसमें नहीं जाना चाहिए बहुत सीरियसली कह रहा हूँ हाँ. मैंने आर्टिकल लिखा आपसे बहुत साल पहले कुरान की आयत बिल्कुल साफ है। और मैंने पूछा वन अब ये आपने एकदम से सवाल पूछा है मुझे पता नहीं था लेकिन याद आ गया मुझे उसमें कुरान की आयत बिल्कुल साफ है वन की शादी उससे करो जिसकी शादी पहले ना हुई हो तो मैंने पूछा इन लोगों से मैंने कहा ये सिर्फ मर्दों के लिए है या महिलाओं के लिए भी है नहीं ये तो सबके लिए तो मैंने कहा चार शादी कैसे hmm. कि वो एक और जगह पे एक इमरजेंसी प्रोविजन है तो जो जो कमांड है इमरजेंसी प्रोविजन इमरजेंसी प्रोविजन है चूंकि जंग हुई ओहद की लड़ाई हुई जिसमें एक तिहाई मेल पॉपुलेशन मार दी गई उस मौके पे जो आयत आई जिसमें इजाजत दी गई चूंकि अनाथ बच्चियां थी विधवाएं थी उसमें इजाजत दी गई वो इमरजेंसी प्रोविजन को लागू कर दिया गया और जो सीधे सीधे हुक्म हैं वन किहुल अमाम इनकुम उससे शादी करो जिसकी पहले शादी ना हुई हो और वो मर्द के लिए भी है और महिला के लिए भी उसको नजरअंदाज कर दिया गया तो अब तो, तो हम तो अपनी की कोई बात है नहीं ये रुकना चाहिए मैं मुझे लगता है बहुत पहले रुकना चाहिए था पाक। हम हम डरते हैं छूने में कानून को पाकिस्तान इसी देश का हिस्सा था सैंतालीस से पहले 1960 में उन्होंने कानून बदल दिया क्यों डरते हैं हम इस देश में अभी अब डरते ये तो चुने? आप पता लगाइए मैं कोई पत्रकार हूं कि मैं पता लगाऊं?